कुछ जवाब क्या है टाइम देने का? देखिए हम इस वक्त फील्ड में खड़े हैं और आपके सामने ये सारी हम चीजें गिरा भी रहे हैं और इनकी मशीनरी जो भी है या जितने भी स्टॉल्स हैं ये गरीब है, हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि इनके कारोबार या रोजगार को हम कोई नुकसान पहुंचाएं, लेकिन दूसरे लोगों को या पब्लिक को भी सफर होने हम नहीं देंगे। इसलिए हम इनको आधे घंटे का एक टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँ और अगर आधे घंटे के अंदर इन्होंने अपनी सारी ये चीजें मूव नहीं की तो हम डेफिनेटली एक्शन लेने पे मजबूर होंगे। मैंने आप शहरों को ये चाह रहे हैं कि नुकसान ना हो इनका, अपने जो नजायज तजवीजात हैं हमारे नुकसान किए बगैर आप उठा लें। बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि हम शहरों का कारोबार को भी मुतासर ना करें और पब्लिक की जो सफरिंग है उनको भी हम कम कर सकें। चेयरमैन साहब आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको पता है हमने वार्निंग बहुत दी है और अभी भी हम जो है ना म्याना रवि इख्तियार कर रहे हैं और मेरा शहरियों से एक अपील है कि हम इनको ठेले वालों को लेके जा रहे हैं एसआरटीसी के अड्डे पे, तो शहरी भी जो है ना अगर परचेजिंग करें ना, जो एसआरटीसी अड्डे में मार्केट बनने जा रही है वहां से परचेजिंग करें, क्योंकि इनका भी एक माइंड सेट बना हुआ है कि जी रोड पे खड़े होंगे तो कोई खरीदारी करेगा। जब हम लोग ही अगर एसआरटीसी के अड्डे में जाके खरीदारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ठेले। अभी भी हम एमसीबी बैंक के करीब से आ रहे हैं, तकरीबन 6 फुट जो पीछे रास्ता खड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट रोड के ऊपर खड़ी हुई है और 4 फुट उसने रेडी फुटपाथ के आगे खड़ी की हुई है और वहां से भी आए, इनको तो टाइम देने की जरूरत नहीं। फुटपाथ हमने यहाँ से अल्लाह चौक से शुरू किया है और हम जिस तरह जाएंगे ट्रैफिक पुलिस साथ है, पूरा हमला साथ है, उनको चलान करते जाएंगे इंशाल्लाह। इंतजामिया भी साथ है और पुलिस भी साथ है और जो है बल्दिया के जो सीएमओ साहब क्या कहेंगे आप? जी आज हम इनकी इंक्रोचमेंट के साथ कैसे साहबागर साथ निकले हुए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, एसी साहब का भी यही कहना है, चेयरमैन और जो है सीएमओ भी जो है इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने बल्दियात के जो मुलाजमीन हैं और अपनी जो गाड़ियां हैं वो भी मंगवा ली हैं। शहरियों को चाहिए कि अपना निजात तजवीजात से सामान उठा लें, नुकसान से बचे।